भारत, मेरा भारत विभिन्न परंपराओं, संस्कृतियों का एक ऐसा समन्वय जो इस धरा को और देशों से अलग करता है। वेदों की भूमि, ऋषियों के जप तप से सिंचित इस परम वैभव भूमि पर शिक्षा के लिए गुरुकुल चलते रहे। इन गुरुकुलों में भारत नहीं वरन विश्व के अनेक विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज गुरुकुल विलुप्त हो गए हैं? मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा षड्यंत्र जो भारत की अमूल विरासत को नष्ट कर चुका है। सन 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इस एक्ट की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की, लेकिन इस एक्ट को बनाने से पहले भारत की शिक्षा का सर्वेक्षण किया गया। इसकी जिम्मेदारी लॉर्ड मैकाले ने G.W. लिटनर को उत्तर भारत एवं थॉमस मुनरो को दक्षिण भारत शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए भेजा। मित्रों, क्या आप जानते हैं उस समय भारत के अधिकतर गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और भारत की साक्षरता दर 97% तक थी। जब इस रिपोर्ट को मैकाले के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसने सबसे पहले देशी एवं सांस्कृतिक शिक्षा को ध्वस्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आया और गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। सन 1850 इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय भारत में 7,50,000 गांव हुआ करते थे, मतलब हर गांव में एक गुरुकुल। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, इन गुरुकुलों में निशुल्क शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इस तरह धीरे धीरे सारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर कॉन्वेंट स्कूल खोले गए और पहली कॉन्वेंट यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोली गई। मित्रों, जो व्यक्ति या समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है वो समाज अक्सर बैसाखी की तलाश करता है, यही सोच मैकाले की थी। तो जानकारी को शेयर, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस परम वैभवपूर्ण इस भारत भूमि के चरणों में नमन करते हुए वाणी को विराम, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तो मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।